लेकिन मेरा सीन थोड़ा अलग था, मेरे बाप ने मेरे को धमकी दी थी। अच्छा एक सेकंड देखो, मैं सब बाप कह रहा था, मतलब जज मत कहना, मैं पहले बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे पापा ने मेरे को धमकी दी थी। नहीं नहीं यार, फील नहीं आ रहा। मेरे बाप ने मेरे को धमकी दी थी, उन्होंने मेरे को कहा था कि बेटा अगर तू पास नहीं हुआ ना, मैं तेरे को जायदाद से निकाल दूंगा। मेरे को एक टाइम पे कहते तू पढ़ाई छोड़ देता, अगर मतलब तू पास नहीं हुआ तो तेरे को पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। मेरे को चल जाता, जायदाद नहीं छोड़नी मुंबई में बड़ा सा बंदा, तुम लोग जितना बैठे उतनी जमीन। मेरे दिमाग का दही कर दिया, मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि दिमाग का दही कर दिया। रिजल्ट की डेट आ गई, मेरा दिल रो रहा है, हाथ पैर सब कुछ रो रहा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी खींची थी। समझ सकते हो, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, बुक तो तुम्हें पता है कितनी खुलती है। वो एग्जाम एक महीने से ज़्यादा पहले नहीं खुलती अपनी बुक। रिजल्ट आया, अच्छा वैसे लैपटॉप चलाना नहीं आता, मैं लैपटॉप से स्टाइल के लिए बोलने वाला था। मैंने मोबाइल ओपन किया, क्रोम ओपन किया, लिंक ओपन की, मैंने अपना रोल नंबर डाला और मैं क्या देख रहा हूँ, मैं पास हो गया, जायदाद बच गई, आज मेरे नाम हो गया। भाई छोटा भाई तुम्हें पता है सब कुछ ले जाता है, ठीक है। मेरे परसेंटेज कितने आए तते थे कितना, अरे वो होता है ना पास, कितना, 3-3, एक लकड़ी दो चश्मे तती त्री। अच्छा हाँ अब समझ गए, ओके 33। अच्छा ठीक है, वैसे मैंने सुना है कि जब लड़का कॉलेज में आ जाता तो थोड़ा जवान हो जाता, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह, इस तरफ से ज्यादा आवाज आई है, मतलब कमिटेड है तुम लोग। अच्छा ठीक है, मैंने बनाई होगी गर्लफ्रेंड। अच्छा जी, नहीं मतलब मेरे काफी दोस्त कहते नहीं तो बनाता नहीं, लेकिन ऐसे कैसे, अरे कहाँ ना लड़का जवान हो जाता है कॉलेज में आ जाता है, मतलब मैंने बना लिया ऐसा कहना चाहता हूँ इनडायरेक्टली। ठीक है, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। अब ना हम लोगों के ऐसे व्हाट्सएप पे बातें हुआ करती थी, ठीक है, कभी ऐसा कॉल वॉल नहीं आता था उसका, बट एक दिन अचानक से कॉल आ गया तो मेरा दिल रोने लगा, मतलब खुशी के मारे उसे कॉल आ गया ऐसा करके, बताओ सुनो बाबू, तो ऐसा रोने ऐसा लगा खुशी के मारे, इतनी खुशी मैं सीधा दरवाजा खोल के अंदर घुस गया, मतलब मेरे रूम में, किसी और के नहीं। ऐसा तुम लोग गलत बहुत सोचते हो। अब उसने कहा कि सुनो ना मेरे लिए गाना गाऊंगा। मैं कहा गाना यार, मैं गाना तो वैसे नहीं गाता हूँ। उसने कहा फिर भी, बारिश की सीजन थी, माहौल एकदम मस्त था, एकदम सुहाना मौसम था। मैंने कहा भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करो, ऐसा करके पीछे से मेरे बाप ने सुन लिया। वो एक्साइटमेंट के मारे मैंने ना दरवाजा बंद नहीं किया था, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। पापा अंदर आए, उन्होंने दरवाजा बंद किया, मैं अंदर हूँ, पापा अंदर है, हम तुम एक कमरे में बंद हो। उन्होंने खाली समझ लिया, पैरागॉन लिखा था। पापा शायद इसीलिए ओरिजिनल पहना करते, यहाँ छप गया पैरागॉन, मेरे को बहुत मारा उन्होंने। अब मैं ना रो रहा था, फोन किया मम्मी, अब तुम्हें पता है देखो हम जब पापा हमें टिकट ठोकते ना बराबर का, तो मम्मी बहुत सपोर्टिव में आती है। क्या हुआ, हमारा लड़का जवान हो गया, शादी करवा दे क्या इसकी, मम्मी ने ऐसा क्यों हो गया, मम्मी कहती है गर्लफ्रेंड बनाई है। अब मेरे मम्मी पापा के ना एक्चुअली लव मैरिज हुई है, तो मम्मी को तो उल्टा खुश हो गए, मम्मी गर्लफ्रेंड बनाई है बेटा, कौन है वो, कौन से कास्ट की है, खाना बनाना आता है क्या उसे। मैं कहा मम्मी कैसी हो आप, बड़े दिनों बाद मिल रही हो। पापा ने कहा ऐसे बड़ी सी आंखें दिखाई, मम्मी चली गई किचन में, ठीक है मैं पकौड़े बना के लेके आती हूँ, तुम इसको पकौड़े की तरह तलो बराबर। दूसरा पैर, उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था, उनका ऐसा लग रहा था मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, तो मेरी औलाद नहीं हो सकता। मैं कहने पापा ब्लड चेक करवा लो, तो हम दोनों का ऑपोजिटिव है। अब मैं शरीफ बन गया, ठीक है, पापा ने इतना मारा मेरे से तो रहा नहीं जाता भाई, पापा ने इतना मारा, लेकिन शरीफ तो मैं एक्चुअली 22 महीने तक ही था, खिलवाने नाम पे गाड़ी पे आता था ना। ऐसा सीन हो गया था। अब मैंने अपने गर्लफ्रेंड को बोल दिया था जिंदगी में कभी बार मेरे को कॉल मत करना, तो पहले मैसेज करना, मैं रिप्लाई दूँ ना तो मेरे को कॉल करने का, ऐसा करके हम बड़े मैंने एकदम स्टार्ट हो गया। मैंने कहा अब तो भाई ये रिलेशन मेरे को कंटिन्यू रखना ही, ऐसा कर दिया। एक दिन रिश्तेदार मेरे घर पे आए, जन्म जन्म के दुश्मन, मतलब हमारे रिश्तेदार, एग्जैक्टली राइट, उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी आएगा,
और उनको तो हमारी बहुत देरी होती है बराबर के क्या अभी वो बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें पता है। वो कहता है कि भैया भैया सुनो ना मेरे को सोडा पीने जाना है। मैं कहा अच्छा, मैं हमेशा पता है नींबू सोडा क्यों पीता हूँ, क्योंकि वो 10 रुपये की आती है, उसके अंदर नींबू भी होता है और हजम भी हो जाता है। लेकिन वो भाई साहब को छोटे को स्ट्रॉबेरी क्रश पीनी है 25 रुपये वाली। मेरे पापा मुझे 50 रुपये दिया करते डेली के, इन्हें तो खर्च करना ऐसा करना 25 की वो पिएगा, मैं क्या करूँ। नहीं मतलब मैं सिर्फ सोडा पी के थोड़ी चल रहा हूँ, कुछ वड़ा पाव तगारे वाले को तो खाने जाना पड़ता है, समझ रहे हो तुम भावना मेरी, समझ रहे हो ना। नहीं मैं बाजू वाली भावना की बात नहीं कर रहा हूँ यार। हाँ उसको मैं लेके गया, मेरा बेटा सोडा पिएगा तू, सोडा पिएगा तू। उसको इतने गल की मेरे को नहीं पीना सोडा, मेरे को नहीं पीना। और उधर उधर घर आ गया, उसके मुँह में कुछ नहीं क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं सोडा पिलाने लेके गया था, पता नहीं रास्ते में किसी कुत्ते ने उसको काट लिया, किसी कुत्ते ने उसको काट लिया, तो इसीलिए उसको सोडा नहीं पीनी है।